गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह से ही मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और सब लोग जो हैं वो जा चुके हैं काम पर, और मैंने सोचा कि चलो सब लोग जा चुके हैं तो मैं भी अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया और आज थोड़ी सी ठंड लग रही है इसलिए मैंने ये स्टॉल डाला हुआ है। और वैसे तो सब लोग जा चुके हैं और लंच ब्रेकफास्ट सब हो चुका है, और मैं नहा के मैंने पूजा तो कर लिया क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही नहा के पूजा कर लेती हूँ, फिर लेट हो जाता है। और आज मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं सोच रही थी, क्योंकि फिर ना अगर लेट सोचते हैं कि अब स्टार्ट कर दूंगी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूंगी तो लेट ही हो जाता है, इससे तो मैंने सोचा चलो अपना भी काम स्टार्ट कर देते हैं और मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ। और आज मुझे लगानी है वॉशिंग मशीन क्योंकि मुझे आज कपड़े धुलने हैं, तो आज मशीन भी लगाऊंगी मैं अभी और आप लोगों के साथ बताऊंगी कि वो जो फाइनल टेस्ट था उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी थी, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा दाने हो चुके हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, अब या तो मुल्तानी मिट्टी बेसन वेसन लगा के कोई होम रेमेडी ही मुझे बनानी पड़ेगी, वही लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दाने हो गए हैं बहुत ही, तो दवाई तो नहीं खा सकती मैं, बट कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए बना लेती हूँ एक कप चाय क्योंकि अभी काम पे लगूंगी थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी, पहले मुझे पीना है पानी। इधर से रेड लाइट सी पड़ती है क्योंकि कर्टेन से ना, तो इसमें को लाइट रेड होती है थोड़ी। वैसे सुबह को ना मैं एक गिलास गुनगुना पानी पी लेती हूँ, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा पेट ठीक हो जाता है। समझे, पेट की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो मैं गुनगुना पानी तो डेली पीती हूँ मॉर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स लग जाते हैं अपने काम पर क्योंकि बहुत सारा काम है और जितना लेट करूँगी फिर लेट हो जाता है, व्लॉग बनाने के लिए भी लेट हो जाएगा, एडिट करना भी पड़ता है। तो अब मैं चलिए अपने काम पर लग जाती हूँ, अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, काम भी स्टार्ट कर देती हूँ। वाला तो मैंने जो है क्लीन कर दिया है क्योंकि इन डब्बों को रोज़ साफ़ करना पड़ता है और रोज़ ही अरेंज करना पड़ता है। सुबह के टाइम में बहुत जल्दबाजी में सामान उठाया जाता है, डब्बे रख देते हैं और उन पर मतलब वही चिकनाहट जम जाती है और इधर उधर हो जाते हैं, तो मुझे ये टेबल रोज़ अरेंज करनी पड़ती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में स्पेस नहीं है और इसीलिए मैं डब्बे भी बहुत ही कम रखती हूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस वही रखती हूँ, और कुछ डब्बों को मैंने नीचे जो टेबल के नीचे होता है ये वाला पोर्शन है कुछ इसमें अरेंज किए हुए हैं और इसमें रख दिए हैं मैंने। अब आलू और प्याज रखती हूँ तो बहुत ही उससे अरेंज की हुई है ये टेबल्स। वैसे जब से मैंने ये लगाई है मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। और इस डब्बे में थोड़ा सा घी बचा हुआ है तो वो मैं पिघला करके डब्बे में डाल दूँगी। तो बस अब मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। देखिए सुबह के टाइम में कितनी गंदी हो जाती है किचन, और अब मैं बस किचन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए बर्तन भी कितने सारे हुए हैं, मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट नाश्ता खाना सब कुछ बनाना होता है तो उसी के चलते इतना काम हो जाता है। तो किचन क्लीन कर लेती हूँ और गैस भी साफ़ करनी है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। तो
कुछ कपड़ों को मैंने यहीं पर डाल दिया है नीचे, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और हवा भी चल रही है बहुत तेज़, तो ये कुछ कपड़े यहीं पर सूख जाएंगे। और अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए यहीं पर बाहर खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि अंदर बंद बंद में बिल्कुल ऐसा लगता है ना बाहर आके कि जान मानो कि बाहर से आ गई है। तो आज धूप भी लगी, मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप भी सेक लेती हूँ। और कुछ कपड़े ये यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको भी मैं ऊपर डाल आऊँगी। इतना मैं और काम करूँगी तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, तो मैं इनको छत पर डाल आती हूँ और आ करके अपना बाकी काम करती हूँ। मैं नहा ली हूँ और पूरा काम करने के बाद, और आज मैंने किया है अपने फेस पे स्क्रब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने कोई भी कुछ भी रेमेडी या कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया था, तो बहुत ही ज़्यादा डल सा लग रहा था। तो मैंने आज किया है स्क्रब, और काम पूरा ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब फेस डल सा लग रहा था, इसलिए मैंने आज किया अपने फेस पर स्क्रब। वैसे मेरे फेस पर ना कोई जैसे दवाई खा रही हूँ तो उसकी वजह से कुछ दाने से हो गए हैं, बट मैंने फिर भी जहाँ पे दाने हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइट से स्क्रब नहीं किया है, बट और फेस पे किया, क्योंकि स्क्रब ना करो तो आपका फेस पे बहुत ज़्यादा डील्स और बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तो इसलिए मैंने अपने फेस पर स्क्रब किया है।
और अभी मैंने बाल बाल कुछ नहीं बहाए हैं और ना ही कुछ किया है। आज मैं थोड़ा सा करूँगी मेकअप, क्योंकि कभी कभी इच्छा होती है कुछ अलग सा करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ नया सा कर लेती हूँ। वैसे डेली मैं तो नहीं करती, बट कभी कभी इच्छा होती है कुछ अच्छा करने की, कुछ अलग दिखने की, तो वही सब। आज काम भी जल्दी फिनिश हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, या थोड़े से अच्छी तरह तैयार हो जाती हूँ। तो पहले तो मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने पहले चाय बनाई है काम ख़त्म करने के, नहाने के बाद थोड़ी सी सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ और फिर थोड़ा सा मेकअप करेंगे, हल्का फुल्का करेंगे, ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे फेस पर कुछ मैं ज़्यादा अप्लाई भी नहीं कर सकती। अच्छा लगता है बट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती इसीलिए। और आज मैंने जो है वो पहना है ब्लैक कलर का सूट, और ये सूट जो है ये मैंने खुद से बनाया था, यानी कि ये प्लेन कपड़ा लिया था मैंने, और प्लेन कपड़े पे ये गला वाला लगा के और बाजू पे ये लेस लगा के, क्योंकि मैं अपने सारे सूट खुद ही से सिलती हूँ, तो ये मैंने खुद ही बनाया था। इसका पूरा लुक क्या है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये सूट, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और पीछे मैंने लगाई हुई है इसमें लटकन, और मुझे ऐसे सूट, पंजाबी सूट बहुत अच्छे लगते हैं, जो भारी सलवार और ऊंचा सा सूट होता है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने ये बनाया था। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैंने पहना है, और ये सूट मैंने तब बनाया था जब मेरे भैया की शादी हुई थी, तो उससे पहले बनाया था मैंने ये। और अब गर्मी आ रही है तो मुझे अपने कुछ और सूट भी सिलने हैं, तो वो भी मैं निकालूंगी गर्मियों की वजह से, क्योंकि अब कुर्ती और ढीले ढाले कपड़े अच्छे लगेंगे, कुर्ती वुर्ती गर्मियों में अच्छी लगती हैं, तो अभी मुझे उनको सिलना भी है, निकालूंगी मैं आज। बहुत सारे रखे हैं क्योंकि भैया की शादी में गई थी तब बहुत सारे सूट मिले थे, सब ऐसे ही रखे हुए हैं, एक एक दो दो करके निकालूंगी। वीडियो बनाने के चक्कर में उन सब में बहुत कम टाइम मिल पाता है, बट सिलने तो हैं ही, पहनने हैं। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ और फिर थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पहनूंगी चूड़ी, और चूड़ी पहनूंगी मैं ये वाली चूड़ी पहनूंगी मैं आज। ये ब्लैक कलर की है, और क्योंकि इसमें गोल्डन कलर की ये भी है, तो मैं एक एक चूड़ी इसमें साइड में गोल्डन कलर की भी लगा लूंगी। तो मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि कभी कभी डालते हैं ना तो तब बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब कभी कभी पहनते हैं। और कानों में पहनूंगी मैं ये वाले इयररिंग्स, ब्लैक कलर के हैं ये हैं ब्लैक कलर के, तो मैं इनको पहनूंगी। और मैं नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि नीचे बैठने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई।
और मुझे अभी नेल पेंट भी लगानी है, तो वो मैं भी बाद में लगाऊंगी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा सूट कि मेरा सूट ये कैसा है। और अभी मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने फाइनल जब वो दूसरा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने क्या बोला है, उस बारे में भी मैं अभी आप लोगों से बातें करूंगी कि डॉक्टर ने फाइनली क्या बोला है, क्योंकि वो दूसरा टेस्ट भी हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो पहले मैं नेल पेंट लगाऊंगी, सूट निकालूंगी अपने जो कि मुझे सिलने देने हैं। और मैं गई थी जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, और डॉक्टर के यहाँ से मैंने दूसरा टेस्ट भी करवा लिया था जो कि 48 घंटे में होना था, वो वाला टेस्ट भी करा लिया था। और उस वाले टेस्ट में मतलब जो पॉइंट्स थे वो दुगने नहीं हुए, घट गए, यानी कि जो 300 थे वो 189 हो गए थे। तो डॉक्टर ने फिर भी मतलब कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला है अब 10 से 15 दिन तक कि आप 10-15 दिन वेट करो, और वेट करने के बाद अगर आपकी सिचुएशन ठीक रहती है, ठीक है, तो हम नॉर्मली फिर आपका अल्ट्रासाउंड और फिर यही टेस्ट हम रिपीट कराएंगे 10 दिन बाद। तो यही अब 10 दिन में, इन 10 दिनों के बीच में क्या होता है वो नहीं पता है, बट डॉक्टर ने यही बोला है कि 10 दिनों के बाद ही ये टेस्ट, अगर ठीक रहते हो तुम, अगर अब दर्द तो नहीं है, मुझे पहले मुझे पेन हो रहा था पेट में हल्का हल्का, बट अब दर्द नहीं हो रहा है, तो वो वही बोला डॉक्टर ने कि बाद में हम यही टेस्ट रिपीट कराएंगे 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद की सिचुएशन क्या होगी, और अल्ट्रासाउंड भी वो 10 दिन बाद ही कराएंगे। वैसे मेरी जो डेट थी वो 26 तारीख थी और आज हो गई है शायद 28 तारीख या 29 तारीख है, आज मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है कि क्या डेट है आज। तो उसी के मुताबिक अब 10 दिन वेट करना है, 10 दिन के बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है, और 10 दिन बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा या उसी के बीच टाइम में पता चलेगा कि सिचुएशन क्या है। तो मुझे 10 दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तभी वो बताएंगे। तो एग्जैक्टली अब की सिचुएशन यही है कि अब मैं नहीं को ना ही तो मैं कोई दवाई खा रही हूँ, ना ही मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है, ना ही कोई टेस्ट कराना है, क्योंकि अब 10 दिन तक तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अब ये बोल भी रहे हैं कि कल चलो कि दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, बट मैं अब कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी, ना ही कुछ डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि अब हमारा यही है कि अब हम 10 दिन वेट करेंगे और 10 दिन बाद ही अल्ट्रासाउंड और ये टेस्ट रिपीट होगा, उससे पहले अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। और इतना टाइम भी निकल जाएगा, थोड़ा पता भी चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं। तो बस यही सब था, और ज़्यादा कुछ डॉक्टर ने उस दिन बताया ही नहीं, वो टेस्ट की रिपोर्ट देख करके हमें इतनी ही बात बोली है। तो अब 10 दिन का वेट करना है कि 10 दिन बाद अब क्या होगा। तो बस यही सब है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो इतनी ही बातें डॉक्टर ने हमें बोली है जो कि मैंने आप लोगों से बता दी है।
निकाल लें क्योंकि अभी मुझे दो ही मिले हैं, बाकी जो सूट है शायद वो बेड के अंदर है, तो मैं पहले इन दोनों को ही सिलूंगी। ये कुर्ती का कपड़ा है, ये तो ये सारी मतलब ऐसे तो सिली हुई है, बस थोड़ा सा इसकी उस पर सिलाई देनी है बराबर में, और इसकी बाजू जो है वो ऐसी है, इसकी बाजू पे कढ़ाई है और ये पूरा ऐसा इसके नीचे पल्लों पर भी कढ़ाई है, तो मुझे इसको सिलना है और इसका गला वाला सब बना हुआ है और बस इसके साइड में सिलाई देनी है, और इसके नीचे की जो लेगी है मेरे पास ऑरेंज कलर भी है और रानी कलर का भी है तो वो चल जाएगी। और एक सूट है ये वाला, तो इसका भी मैं ब्लैक सूट और रेड सलवार बनाऊंगी। इसके नीचे एक सूट ये है, ये प्लेन है बिल्कुल, और बस नीचे इसमें बॉर्डर है ये वाला। तो ऐसे सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो सिंपल होते हैं, और नीचे नीचे का बॉर्डर जो होता है वो बहुत प्यारे लगते हैं। इन्हीं दोनों सूटों को मुझे सिलना है, थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, वैसे टाइम तो लग नहीं रहा है बट थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और आपको मेरा आज का ये लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।